कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। सुबह मेरे लगभग लगभग घर के सब काम करके अभी फ्री हो गई हूँ। इधर देखिए सारी तैयारी हो गई, नाश्ता बना के इधर रख दिया है, बेबो को स्कूल भेज दिया है। तो अभी मिक्सी और मिक्सर ग्राइंडर जो मेरा फूड प्रोसेसर है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या, उसने ढंग से सही पूछो कभी अच्छे से काम नहीं किया। तो आपको दिखाती हूँ, और उसके साथ साथ वैक्यूम क्लीनर भी है, वो भी मैं दूंगी। तो दोनों ही मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग कभी मत लेना, सच बताऊँ, बजाज का वैक्यूम क्लीनर तो अच्छा है, बहुत साल बहुत पुराना है वो मेरा, लेकिन फूड प्रोसेसर तो बजाज का कभी कोई मत लेना। इतना दिन यूज़ के बाद में मैं तो यही कहूँगी। आपको दिखाती हूँ उसमें क्या गड़बड़ है। ये बजाज का फूड प्रोसेसर सच बताऊँ बेकार निकला। इसका ये यहाँ से ये सब कुछ चलता है, लेकिन इसमें जैसे ही आटा डाल दो वो घूमना बंद हो जाता है, या कुछ डाल दो सब्जी काटने के चॉप करने के बंद हो जाता है। तो इसलिए भाई बड़ा सोच समझ के बजाज का लेना। और ये वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर के भी हालत वही है, जब लगाओ उसमें लाइट ही नहीं आ रही है। यहाँ लाइट जल जाती है ना इस जगह पे, बीच बीच में एक आध बार पकड़ भी रहा था, अब और वो भी नहीं पकड़ रहा है। इसको भी भेज रही हूँ, देखती हूँ इस तार में शायद कहीं लाइट नहीं आ रहा है या क्या करेगा, वो देखेगा। तो ये भी बनाने भेज रही हूँ, ये भी दोनों ही। नाश्ते के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। शाम के नाश्ते में बनाऊंगी इडली। तो मैं सिंपल एकदम से ना कोई बेकिंग सोडा या कुछ भी इनो वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। तो सिंपल सा इडली और सादी इडली बच्चों को पसंद भी आती है, बीबो को खास करके सूजी की इडली बहुत पसंद आती है। तो मैं शाम को चल रही हूँ वही इडली बनाने सूजी की, और उसके साथ एक चटनी बनाऊंगी, और अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए तैयारी कर लेती हूँ। मैंने सूजी जो है दही जरा सा पानी ऊपर से डाल के भिगा दिया था, इसको मिलाना है। कुछ नहीं डाली हूँ, कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं। तो इसको मिला लेती हूँ। ये मैंने इडली के जो कर लिया है, पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे दही और सूजी को खूब अच्छे से फेंट ले रहे हैं, खूब अच्छे से फेंट लें जिससे एयर थोड़ा सा उसमें फॉर्म हो जाए। और उसके बाद में घी हल्का सा या ऑयल जो आपकी इच्छा हो, हल्का सा उसके सांचे में इडली के उसमें लगा देंगे। इसको ब्रश कर दे रही हूँ। ब्रश करने के बाद में इसमें इडली का जो बैटर है, सिंपल सा बैटर है, घर में बना रहे हैं आप तो हो सके इनो से बचें। इस इनो जो है रेगुलर ऐसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कार्सिनोजेनिक होता है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। मैं देख रही हूँ हर चीज़ में इनो डाल देते हैं, तो इनो इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो तभी यूज़ करना चाहिए। खाने में इनो जहाँ तक हो सके आप लोग बचें। तो ये लीजिए, देखिए मस्त एकदम इडली बन गई है। तो एक का निकाल लेते हैं सबसे पहले, देखिए एकदम मस्त फूली फूली बनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो सोडा डाल सकते हो, सोडा हल्का सा आप जो खाने वाला सोडा होता है सिंपल उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी फिर से ऑयल लगा के या घी लगा के ब्रश कर लेते हैं, फिर से इसमें इडली का बैटर डाल के इसको दूसरा बैच जो है उसको भी निकाल लेते हैं, इसको फिर से चढ़ा देते हैं। ये लीजिए सेकंड बैच भी, मैं इसमें इडली का बैटर डाल दे रही हूँ। ये मान लीजिए ये इडली बहुत हेल्दी है, बिल्कुल ही ऑयल वगैरह देखिए यूज़ नहीं होता। इडली सबसे हेल्दी खाना भी है, और इसमें सूजी है, दही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चटनी में मैं धनिया लहसुन मिर्च और मूंगफली की चटनी बनाऊंगी, उसको आपको अभी दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। उसको बाद में जो हम छौंक लगाते हैं उससे वो काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो दूसरी तरफ मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया, और लास्ट में जो हमने नीचे वाला जो तैयार हो गई है इडली उसमें ज़रा सा पानी आ गया था, तो उसको मैंने इसलिए थोड़ी देर के लिए और ऐसे खुला छोड़ दिया। तो अगर कभी भी हल्का सा पानी आ जाए इडली के सांचे में तो आप उसको टेढ़ा करके गिरा दीजिए और थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए, और गैस जलने दीजिए सिम पे करके। तो एकदम
बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अक्सर होता है कि पानी कई बार गैस तेज़ हो जाए तो वो ऊपर पानी आ जाता है स्टीम। तो ये देखिए मस्त ये वाली तैयार होगी। ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट मस्त एकदम बनी है, आपको दिखा देती हूँ। ये लीजिए देखिए एकदम सॉफ्ट, कोई नहीं कहेगा कि इसमें कुछ डला नहीं है, बिल्कुल सोडा तक नहीं डाला है मैंने। ये भुनी हुई मूंगफली है, थोड़ा सा ही डालूंगा। और इसमें नमक, मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ी पतली ही बनाऊंगी। और ये जो चटनी बनाई है, और ये चटनी डालने से पहले मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस जरूर बंद कर दीजिएगा, नहीं तो कई बार आग पकड़ लेता है, तो उससे बचने के लिए गैस पहले ही बंद कर दीजिएगा। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई करिएगा कभी। और इसमें देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है, पानी मैंने जबकि काफ़ी डाला था, क्योंकि मूंगफली जब पिसती है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। बहुत मज़ेदार चटनी, आपको लोग भी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। चटनी के साथ में इडली नाश्ते के लिए, शाम का नाश्ता हो या सुबह का, मस्त तैयार हो गया। चलिए खाते हैं अपन।